देखो वैसे तो मेरा बहुत मन है 2080 Ti लेने का, बट अगर पापा से बोला ना तो बहुत जूते चलेंगे और घर से ही भगा दी जाऊंगा। एंड अगर अपने से लेने पे आया तो फिर मुझे किडनी ही बेचनी पड़ेगी यार, उसमें ना बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं रिस्क भी उसका नहीं लेना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि एक बजट कार्ड ही क्यों ना ले लूं। तो एनवीडिया ने मेरे से गरीब फ्रीलांसर्स और गेमर्स के लिए एक बजट कार्ड निकाला है, एंड इस वीडियो में हम उसी बजट कार्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड उसका रिव्यू करेंगे। ये बजट कार्ड है मेरा MSI का गेमिंग एक्स 1660 सुपर। वैसे तो 1660 सुपर हमें और भी अलग ब्रांड से मिल जाता है, बट MSI का मुझे बेसिकली डिजाइन एंड कलर काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड ये कार्ड इजीली हमें 1080p पे गेमिंग करवा देता है, बट आज इसको हम 1440p पे टेस्ट करेंगे। तो गाइस मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल UrTech कंज्यूमर में। अगर आपका इंटरेस्ट भी PC एंड टेक की दुनिया में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं PC एंड टेक पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो वो वीडियोस आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूले ताकि तब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप तक बराबर पहुंचती रहे। सो मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं आपको, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो देखो अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बॉक्स सामने से कैसा दिखता है वो देख लो एक बार, ज़्यादा डिटेल्स पढ़ के मैं पकाने वाला नहीं हूँ बॉक्स के। बॉक्स को ओपन करने के बाद कुछ यूज़र गाइड्स मिलेगी एंड एक इंस्ट्रक्शन गाइड मिलेगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ग्राफिक्स कार्ड को कैसे इंस्टॉल करते हैं PC में। सो आपको नहीं पता तो आप उसको चेक कर सकते हैं, खैर मेरे व्यूअर रहोगे तो सब जान जाओगे, मेरे व्यूअर्स को सब पता है। आगे हमको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है एंड अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो कितना ही प्यारा डिज़ाइन है कार्ड का, मतलब फुल पैसे वसूल है मेरे। तो मुझे लिटरली MSI के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड अगर कोई MSI से देख रहा है तो यार प्लीज करीब घर एक 2080 Ti भिजवा दो यार। इसकी बैक प्लेट की बात करें तो ब्लैक प्लेट इसकी काफी सही है एंड मेटल की बनी है जिससे एकदम प्रीमियम फील आ जाती है इसको लेकर। अगर मैं इस कार्ड के डिजाइन की बात करूँ तो कार्ड का डिजाइन काफी अच्छा है एंड फैन का डिजाइन भी काफी ज्यादा सही लगा। मुझे लगता है कि ये जो फैंस है वो एयर फ्लो में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब अगर हम इस कार्ड में पोर्ट्स की बात करें तो इस कार्ड के अंदर हमको 3 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलते हैं एंड एक ही HDMI का पोर्ट मिलता है। इसका बैक पैनल का लेआउट काफ़ी स्टैंडर्ड है, अगर इसमें सेम कार्ड को 1080 Ti से कंपेयर किया जाए तो बस उसमें एक USB टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए, बाकी सारे के सारे सेम पोर्ट ही होते हैं। हम इस कार्ड को हमारे एक बजट बिल्ड में फिट कर रहे हैं जिसमें राइजन 5 3600X प्रोसेसर लगा है। तो अगर आपको प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग देखनी है तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड अगर होल PC बिल्ड देखना है तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, लिंक दोनों जगह पे हैं, आप ये वीडियो खत्म करने के बाद चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो को भी। अब अगर इस कार्ड के बेसिक स्पेक्स की बात करें तो कार्ड में हमको 6GB की RAM देखने को मिलती है जो कि DDR6 मेमोरी टाइप की है। इस कार्ड में हमको ट्यूरिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है एंड ये कार्ड हमको 1408 कूडा कोर्स पे देखने को मिल जाता है। ये कार्ड 125 की DDP को यूज़ करता है एंड इसमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट नहीं है जैसा कि RTX कार्ड में देखने को मिलता है रे ट्रेसिंग का सपोर्ट। अब अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें तो इस कार्ड को हम अपने राइजन 5 3600X में लगा के कुछ PC गेम्स के बेंचमार्क्स बताने वाले हैं आपको। बॉर्डरलैंड्स में ये कार्ड 1080p पे 65fps एंड 4040p पे 45fps तक हमें देखने को मिलता है। वहीं बात करें DMC5 की तो यहाँ पे हमको 118fps 1080p पे देखने को मिल जाता है एंड 1440p पे हमको 94fps तक देखने को मिलता है। DMC एक काफी वेल ऑप्टिमाइज गेम है इसलिए हमको यहाँ पे FPS ज्यादा देखने को मिले हैं एंड बॉर्डरलैंड्स उतना वेल ऑप्टिमाइज गेम नहीं है तो वहाँ पे हमको उतना देखने को नहीं मिले एंड यहाँ पे मैं बॉर्डरलैंड्स 3 की बात कर रहा हूँ ना कि बॉर्डरलैंड्स 1 की। Assassin's Creed Odyssey में 66fps मिल जाते हैं हमको 1080p में एंड 1440p पे हमको 49fps तक ये कार्ड हमें निकाल के दे देता है। एंड अगर इसके हम GTA 5 में बात करें तो 125fps दे देता है 1080p पे एंड 1440p पे हमको 108fps तक देखने को मिल जाते हैं। ये काफी अच्छा कार्ड है एंड अगर आप बजट कार्ड की तलाश में हैं तो आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। ये कार्ड ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव गेम्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सो अगर आप ये कार्ड परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में Amazon और हमारे स्टोर दोनों का लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप दोनों जगह जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड जहां से भी आपको सस्ता लगे आप वहां से परचेस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप गेमिंग के लिए कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लूँ तो आप तक बराबर पहुँचता रहे। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टिल देन पीस।